इंडिया में कुछ ऐसी सीरीजें पहले ही रिलीज हो चुकी है जिसमें सारा कंटेंट हमें देखने को मिलता है, चाहे एंटरटेनमेंट हो या फिर दोस्तों एक्शन, क्राइम, थ्रिलर और दोस्तों 18 प्लस वाली चीजें भी। तो हाँ दोस्तों, ऐसी एक सीरीज रिलीज हुई थी काफी टाइम पहले जिसका नाम था अपहरण। इस सीरीज में दोस्तों हमें रुद्र श्रीवास्तव की कहानी देखने को मिली और ये कहानी लोगों को सीजन 1 में इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्हें इसका सीजन 2 लाना पड़ा और सीजन 2 के बजट को भाई बढ़ा दिया गया और फॉरेन कंट्रीज में इसकी शूटिंग वगैरह देखकर मजा आ गया। लेकिन बहुत लोगों को पता है कि इसका सीजन 3 भी आने वाला है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सीजन 3 की रिलीज डेट के बारे में। वैसे दोस्तों आप बताओ, सीजन 3 का वेट कर रहे हो नहीं, कितनी ज्यादा पसंद है आपको इस सीरीज, कमेंट में सारी चीजें बताओ। और रिलीज डेट और अपडेट जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करें दोस्तों सीजन 3 के बारे में, तो कहानी में हमें और भी सारी चीजें देखने को मिल सकती है, जहां पर हमारा जो रुद्र श्रीवास्तव है वो किस तरीके से आगे नए केसेस में काम करेगा या फिर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वही हमें सीजन 3 में देखने को मिलेगा। तो ये देखने वाली बात होंगी कि भाई, क्योंकि इसमें कॉमेडी भी अच्छी खासी है और गाली गलौज तो भाई है इसमें। बात करें सीजन 3 के बारे में, सीजन 3 की रिलीज और प्रोडक्शन अपडेट्स के बारे में, तो करंटली इसकी शूटिंग वगैरह को लेकर कुछ भी ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ बाहर निकल कर नहीं आई है। मोस्टली दोस्तों ऐसी जो सीरीज होती है, इसे सारा काम इसका एकदम सीक्रेटली किया जाता है जब सीधा टीजर इन लोग रिलीज करते हैं। लेकिन करंटली दोस्तों बताया जा रहा है इसके जो मेन लीड एक्टर है भाई, उनके कोई अभी प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो हो सकता है वो इस सीरीज में काम करेंगे। तो बात आती है रिलीज डेट को लेकर, तो इस साल तो ये सीरीज नहीं आने वाली, ये सीरीज आपको नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेंगे लगभग 2024 में। और रिलीज डेट का आपको आइडिया दूं तो एक्सपेक्टेड यही है कि दोस्तों इसे थर्ड क्वार्टर में रिलीज किया जाएगा 2024 में, लगभग सेप्टेंबर से अक्टूबर के बीच में। आप बताओ दोस्तों क्या सोचते हो सीरीज के बारे में, एक्साइटेड हो या नहीं कमेंट में। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।